हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे पिछले दो वीडियो छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में स्थित दो अद्भुत पर्यटन स्थल उल्टा पानी और जलजली ज़मीन पर आधारित थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मेरा आज का वीडियो एक तीसरी अद्भुत रहस्यमय चीज़ के बारे में है, जो है एक पत्थर। जी हाँ, पत्थर, पर कोई साधारण पत्थर नहीं, एक खास पत्थर। अब इसमें खास क्या है, तो चलिए पता लगाते हैं। अंबिकापुर के पास दरिमा हवाई अड्डे से लगे ग्राम छिंदकालो में एक ऐसा पत्थर है जिसे किसी दूसरे पत्थर से मारने पर ठिन ठिन, यानी जिसे किसी बर्तन या मेटल को पत्थर से मारा जाए तो जो आवाज़ निकलती है, ठीक वैसी ही आवाज़ उस पत्थर से निकलती है। तो लीजिए, पहुँच गए हम छिंदकालो गाँव, और सामने जो इतने सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से ही एक पत्थर है वो खास पत्थर, जिसका नाम है ठिनठिनी पत्थर। देखिए कितने सारे लोग उसे देखने के लिए आए हुए हैं। चलिए पास चलकर देखते हैं। तो ये है वो पत्थर जो करीबन 5 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा है। जब इस पर मैंने दूसरे पत्थर से मारकर आवाज़ सुनी, तो देखिए किस तरह से आवाज़ आ रही है। देखिए ठिन ठिन ऐसी आवाज आ रही थी ना, इसलिए इस गांव वालों ने इस पत्थर का नाम ठिनठिनी पत्थर रख दिया। आसपास और भी पत्थर थे, मैंने उन पर भी पत्थर मारकर आवाज सुनी। ये आवाज अलग है, और अब सुनिए ठिनठिनी पत्थर की आवाज, है ना, ठिन ठिन। और इस पत्थर पर अलग अलग जगहों पर मारने से अलग अलग तरह की आवाज़ निकलती है, ध्वनि में बहुत अंतर है। है ना एक खास पत्थर। तो ये है मैन पार्ट का ठिनठिनी पत्थर, जिसे आप किसी और पत्थर से मारेंगे तो किसी बर्तन पर मारने पर या किसी मेटल पर मारने पर जिस तरह की आवाज़ निकलती है, ठीक वैसी ही आवाज़ निकलती है। और इसे देखने में बहुत थोड़ा समय लगता है। यदि आप मैन पार्ट आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, क्योंकि ये जादुई पत्थर बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत लुभाता है। देखिए सारे के सारे बच्चे लगे हुए हैं तरह तरह की आवाज़ें निकालने में। और अब हमारा मैन पार्ट से जाने का समय आ गया है, और देखिए तो हमें सी ऑफ करने के लिए कौन कौन आए हैं। और जाते जाते भी प्रकृति ने हमें एक अद्भुत नज़ारा तोहफे में दिया। देखिए चांद और सूरज दोनों एक समय में एक साथ, अब बताइए दिन है या रात। मैनपाट की यह यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय है, क्योंकि यात्रा के शुरू से लेकर अंत तक मेरी आँखें आश्चर्य से फैली रही और चेहरे पर मुस्कान रही। और यदि आपके भी चेहरे पर मुस्कान है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।